से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ओबीसी समाज से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ओबीसी समाज से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय। पूरी तरह से राजनीति की भाषा नहीं जानते हाय हाय। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। यारे बोले सुनील प्रजापति है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा। आज बीजेपी ओबीसी मोर्चा द्वारा यहां पर एक प्रोटेस्ट रखा गया था। राहुल गांधी जी ने जो कल एक बयान दिया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, कि प्रधानमंत्री जन्म से ओबीसी नहीं है। पहली बात तो किसी के लिए पर्सनल ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए। किसी भी समाज के कोई भी ऐसा, किसी भी समाज के वर्ग का लोग हो, ऐसा पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। और ओबीसी, पूरी ओबीसी कम्युनिटी के लिए उन्होंने ये जो बयान दिया है, उनके खिलाफ दिया है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ओबीसी के लिए, हम ये करेंगे, ये करेंगे। 70 साल जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज अपने हकों के लिए रोते रहा। अब जाकर जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने उनको हक दिए, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी उनको लिए नहीं सोचा। मैं कड़े शब्दों में इनकी निंदा करता हूँ। ये जो उन्होंने वाक्य दिया है, इसका जो खमियाजा है उनको भुगतना पड़ेगा।